दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम उस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको WHO ने साइलेंट किलर का नाम दिया है। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के या उसको पहचानने के क्या संकेत होते हैं और कब आपको सचेत और अलर्ट हो जाना चाहिए अगर आपको ये सिम्टम्स या संकेत दिखने लगे। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो आपके लाइफ स्टाइल यानी कि रहन सहन, खान पीन यानी कि आपकी डाइट और आपकी आदतों से जुड़ी होती है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लेवल जो है वो 120/80 माना जाता है, यानी कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं वो 120 और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं उसको 80 होना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस। अगर लगातार आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90 से दो दिन से ज्यादा आपकी रीडिंग आती है तो आपको मान लेना चाहिए कि आप ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहे हैं या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है और इस समय आपको अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। तो आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस बीमारी के लक्षण यानी कि संकेत क्या होते हैं, मुख्य कारण क्या होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आपको लग जाती है और उसके अलावा इसका इलाज क्या हो सकता है, आप नेचुरली या इवन कुछ घरेलू नुस्खों से भी कैसे इस बीमारी को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के संकेतों को, लक्षणों को समझने से पहले आइए पहले समझते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण ये बीमारी आपको हो जाती है। जो इसमें सबसे पहला कारण होता है वो होता है आपका डाइट। अगर आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें नमक बहुत ज्यादा हो, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा हो, या अगर आप नॉन वेज हैं और एनिमल फैट बहुत ज्यादा खाते हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है आपके हाई ब्लड प्रेशर होने का। दूसरा, अगर आपकी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की अगर कमी है, ग्रेन्स की अगर कमी है तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स वगैरह लेते हैं, एनिमल फैट लेते हैं, तो आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ने लगता है, वो आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। क्योंकि जब ये डिपॉजिट्स आपकी आर्टरी के अंदर होते हैं तो आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है और जब आर्टरी का ल्यूमेन कम होगा और उसके अंदर ब्लड फ्लो आराम से नहीं करेगा तो हार्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और यही फोर्स जो है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। उसके अलावा आपकी कुछ आदतें, जैसे आप अगर स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो आपके शरीर में अगर निकोटीन की मात्रा जाएगी तो वो आपकी आर्टरीज के अंदर की तरफ वहाँ पे इंजरी करती है, वहाँ पे क्लोटिंग का खतरा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी आर्टरीज आपकी हार्ड होने लगती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आप मोटे हैं, ओबेसिटी है आपका, अगर वजन ज़्यादा है तब भी आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके शरीर के हर एक हिस्से तक ब्लड पहुँचाने के लिए, ये भी एक कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाने का। उसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपका काम ऐसा है कि आप सारा दिन बैठ के काम करते हैं, आपको चलने का, स्टेयर चढ़ने का, वॉक करने का मौका नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने का या हाइपरटेंशन की बीमारी होने का। उसके अलावा कुछ बीमारियां और आपकी फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में आपके माता पिता को अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे कुछ बीमारियों के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे अगर जिन लोगों को डायबिटीज़ है यानी कि ब्लड शुगर की बीमारी है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है हाई ब्लड प्रेशर होने का, या अगर ऐसे मरीज जिनको किडनी डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए बात कर लेते हैं इनके लक्षणों के बारे में और इसके संकेत के बारे में कि आप किस तरीके से ये पहचान सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू तो नहीं होने लगी है। उसमें जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है कि आपको सुबह के समय थोड़ा सा सर में भारीपन या हेडेक होना, सर में दर्द होना, ये एक प्राइमरी लक्षण होता है ब्लड प्रेशर की शुरुआत का। दूसरा, आपका जी मतलाना, नौजिया जैसा फील होना या कभी कभी उल्टी भी आ जाना जो एसोसिएटेड हो विद हेडेक यानी कि सर दर्द के साथ, तो ये दूसरा बड़ा लक्षण होता है, यह संकेत होता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाने लगे हैं। तीसरा, जिन मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उनकी आंखों के अंदर आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी बारीक नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं,
वो लाल दिखने लगती है, क्योंकि वहां पे जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो बारीक इन पार्टरीज के अंदर ब्लड की यूजिंग होने लगती है, जिसकी वजह से ये आंखों के अंदर आपको लाल बारीक बारीक नसें दिखाई देने लगती है। चौथा, अगर आपको नाक से खून आता है, अगर आपको जल्दी जल्दी नाक से खून आने लगे, तो ये भी माना जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर के लोगों में नाक से खून आता है। हालांकि बच्चों में कई बार नाक में जो लोग उंगली ज्यादा करते हैं उनको भी एपिस्टैक्सिस नाक से खून आने की दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप बड़े हैं और आपको नाक से खून आता है तो ये मान के चले कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा आपकी छाती में हल्की सी जकड़न महसूस होना या दर्द होना या आपको चलते समय सांस फूलना, चलने में थकावट होना, ये आम लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो अगर इनमें से आपको कोई भी लक्षण दिखता है, संकेत दिखता है, तो ये मान के चले कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इसलिए आप फौरन से अपनी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग शुरू कर दें, और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 और 80 से ज़्यादा आता है तो फिर आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने कारणों की बात कर ली, लेकिन इसके नुकसान क्या हो? एक्चुअल में हाई ब्लड प्रेशर के बहुत बड़े नुकसान हैं। देखिए, एक होता है इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है, जब लंबे दिनों तक हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिसके कारण हार्ट की जो बीट है या जो धड़कन है वो बहुत तेज हो जाती है और मरीज को सडन हार्ट फेल भी हो सकता है। उसके अलावा एंजाइना, एक छाती का दर्द होता है कि जब आप चलते हैं या कुछ काम करते हैं तो आपको छाती में दर्द होने लगता है, और जब आराम करते हैं तो वो छाती का दर्द आराम हो जाता है, क्योंकि आपकी हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपका है, आगे आर्टरीज में कोई नैरोइंग है, इस वजह से आपको ब्लड ठीक से नहीं जा रहा है और ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा हार्ट की मसल्स को, तो इसकी वजह से एंजाइना हो। इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर हार्ट अटैक भी हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को। उसके अलावा जो बहुत कॉमन देखा गया है, ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि आर्टरीज के अंदर अगर ब्रेन के किसी हिस्से में, किसी आर्टरी में कोई रुकावट आ जाती है, वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचता है, तो ब्रेन की कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं, हल्की सी वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, और जिसके कारण मरीज को पैरालिसिस भी हो सकता है, और अगर इसको थोड़ा सा ये और आगे बढ़ जाता है खतरा, जिसको हम ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं, तो इसमें मरीज पूरी तरीके से पैरालाइज हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है या मरीज ब्रेन डेड भी हो सकता है। तो ये इसके वो नुकसान है हाई ब्लड प्रेशर के जो आपको बचा सकते हैं अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। अब बात आती है कि इसको मैनेज कैसे करें, क्या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दवाई खाना ही जरूरी है? तो देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर आप ऑलरेडी डायग्नोज हैं, अगर आप किसी दवाई पे चल ही रहे तो आपको अपनी दवाई कंटिन्यू करनी चाहिए, उसको फौरन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन आप अगर अपनी दवाई के साथ साथ इन सारे नियमों का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपनी दवाई की डोज भी कम कर सकते हैं, और एक समय ऐसा आ सकता है कि आप ये दवाई बंद कर दें और आपका ब्लड प्रेशर ही ठीक हो जाए। और जिन लोगों को एक रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और आगे अपने आप को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचा के रखना चाहते हैं, तो ये 7 गोल्डन रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप फॉलो करें और आप कमाल रिजल्ट्स इन के देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और आगे भी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी कभी नहीं होगी। सबसे पहला जो रूल है इसमें वो है कि आप अपनी डाइट में, खाने पीने में जो है वो नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें। नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है, आपकी किडनीज को ख़राब करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। आप नमक में सेंधा नमक या रॉक साल्ट जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहतर होता है। उसके अलावा आप अपने खाने में जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनका इंटेक बढ़ा दें। आपके भोजन में रोज़ाना फल और सब्जियां ज़रूर होने चाहिए। स्प्राउट्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, आप एक नियम बनाएं कि जो पैक्ड फूड जितने भी हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जितने भी हैं, या डब्बा बंद जितने भी जूसेज हैं या दूसरी चीज़ें आते हैं, उन आइटम्स को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि अगर आपकी दिनचर्या सुस्त है तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा तेज़ करिए, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, आप मॉर्निंग वॉक कम से कम शुरू करें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे स्टेयर्स हैं तो कम से कम स्टेयर्स लें, लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करें, एक्सरसाइज शुरू करें, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तो इससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखेंगे, इससे आपका हार्ट ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेंगे, ओवरऑल बॉडी फंक्शन ठीक रहेगा और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर में तो आपको फायदा होगा ही होगा। और पांचवा,
अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो इसको आप धीरे धीरे बंद कर दें। फौरन बंद करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसकी मात्रा को कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल भी आपके लिए नुकसानदेह होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करती है। एंड स्टॉप सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। तो ऐसे भोजन जैसे फ्राइड खाना आप खाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, इन सब में ट्रांस फैट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। चीज़ का आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एनिमल फैट अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उसको आप कम कर दें। अगर आप तो नॉनवेज खाना ही है तो आप सी फूड्स की तरफ जा सकते हैं, वो आपको फ़ायदा करेंगे। इससे आपको विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये सारे मिलेंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ में भी फ़ायदा होगा। और नंबर 7, आप अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपको अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करें। जान है तो जहान है, इसलिए स्ट्रेस से बचें, चिंता से बचें, तो भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके आयुर्वेदा में या हर्बल मेडिसिन में, यूनानी मेडिसिन में इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं, इनकी कॉम्पोजिशंस भी आते हैं, आप इंडिविजुअल दवाइयां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अर्जुन की छाल बहुत बड़ा काम करती है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, यानी कि आपके हार्ट को बचाती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके अलावा अश्वगंधा जो है वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ को ठीक से बनाए रखने के लिए। और उसके अलावा सर्पगंधा, जिसको असरोल के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर बहुत अच्छी एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस्तेमाल आना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करना है, आपको क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद से, उसकी एडवाइस पे ही इन दवाइयों को इस्तेमाल करना है। इसकी जो कॉम्पोजिशंस आते हैं, बहुत सारे मार्केट में आयुर्वेदा, यूनानी, हर्बल मेडिसिन के कॉम्पोजिशंस भी अवेलेबल हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा, ये जानकारी भरा लगा होगा आपको वीडियो। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आई एम वेरी श्योर अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।